अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। सरकार आप ना चले जाओ यहाँ से, मैं सही बता रहा हूँ, कल 9 बजे मैं आपको मेरठ में नहीं, मैं आपको रहने दूंगा, ध्यान रखना। मामला सत्ताधारी पार्टी से जुड़ा हो तो मेरठ के SP सिटी का यूं मुस्कुराना तो बनता है। भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विनीत अग्रवाल शारदा ने भरी भीड़ में साफ कहा कि मुझे लग रहा है कि आप गलतफहमी में हो, कहीं आप ना चले जाओ यहाँ से, मैं आपको रहने नहीं दूंगा। इतना सब होता रहा लेकिन SP सिटी मंद मंद मुस्कुराते रहे, कान में फुसफुसाते रहे, लेकिन विनीत शारदा शांत होने वाले नहीं थे। विनीत शारदा ने कहा कि आज जब अतीक मुख्तियार व याकूब जैसे अपराधी जेल से बाहर आने से घबरा रहे हैं, मेरठ में यह हाल है कि व्यापारियों के साथ लगातार वारदातें हो रही हैं, इसे वह बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। इसके बाद धरनारत व्यापारियों को संबोधित करते हुए भाजपा नेता ने कहा कि उन्होंने SP सिटी से साफ बोल दिया है, यदि तुम्हारे बस का काम नहीं है तो बोर या बिस्तरा बांध लो। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं firstbite.tv। दरअसल मेरठ में ज्वेलरी शोरूम को बदमाशों द्वारा एक ही तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। दुकान से पहले बने नाले में सुरंग बनाकर वह शोरूम में घुस रहे हैं। गढ़ रोड पर न्यू अंबिका ज्वेलरी शोरूम में बीती रात ऐसी ही वारदात हुई। सुबह दुकान खोली तो इसका पता चला, यहाँ पुलिस गो बैक के नारे भी लगे। इस दौरान व्यापारी भाजपा नेता विनीत अग्रवाल शारदा ने SP सिटी को जमकर आड़े हाथ लिया। देखिए, पूरे प्रदेश का दायित्व मेरे पे, तो मेरे में मेरा शहर में दिल्ली में बैठक में बैठा हुआ था, दिल्ली से आपसे आया अपनी बैठक मेरे दोस्त कौन है आप मुझे कि मैं उसी भी कहता हूँ, मैं ना तो उसी भी कहता हूँ, एक उंगली में आपको उठा रहा हूँ तो तीन उंगली मेरे पर क्यों उठती है, क्यों सरकार मेरी सुनी मेरी, मैंने उसी में आपसे कहा था पुलिस पर उंगली उठाने का, मैं उठाया, मैं विपक्ष में नहीं हूँ, विपक्ष में होता तो मैं अभी यही जा रहा होता मैं धरने पर। आप मेरे बारे में भी गलतफहमी में हो मुझे लगता है, मैं इस तरीके से व्यवहार नॉर्मल तक का बहुत कम बोलता हूँ। मुझे ये आप मुझे बताओ, ये किसके साथ घटना हुई, इनसे पहले 15 दिन पहले वो घटना हुई और यहाँ गए वो, राणा साहब के साथ दो बार घटना हुई। पहले हुई फिर दोबारा हुई। इनको मैं वादा करके गया था आपके बेस पे कि 3 दिन में आप, मैं तो 48 घंटे करके गया था, आपने 24 घंटे मुझसे कहा और आप 15-20 दिन हो गए उस बात। मैंने SSP कहा क्यों नहीं है, पर मैं इतना कह सकता हूँ आगे घटना भगवान न करे कभी हो तो मैं इन किसी अधिकार को मेरे में छोड़ने वाला हूँ। साफ ऐलान कर रहा हूँ, गलत छवि में मेरठ का पुलिस प्रशासन ना रहे, ये भाजपा की मोदी योगी की सरकार है, यहाँ अपराधी या तो जेल में होना चाहिए या प्रदेश छोड़े या यमराज का पुठाना काम करो, मेरे व्यापारी का माल मैं माल के मैं सब मैं माल मैं अपराधी के आज 24 घंटे मिलना चाहिए, नहीं 24 घंटे के बाद मैं सड़क पर बैठ जाऊँगा। अभी SPCD मोर्चे से यहाँ बात हुई, SSP मेरठ में नहीं तो IG से बात हुई, IG को मैंने दो छूट में एक ही बात कही है, ये उत्तर प्रदेश में मोदी जी और योगी की सरकार है और मोदी और योगी की सरकार में मेरी बाप मेरे व्यापारी का उत्पीड़न ना मुझे कल बर्दाश्त था, ना मुझे आज बर्दाश्त है, ना कल बर्दाश्त। उत्तर प्रदेश में मेरा मेरा गृह जिला है, मैंने उनको कहा और मेरे गृह जिले में सराफा व्यापारियों से 15 दिन में यह दूसरी घटना और 2 महीने में ये चौथी घटना सुरंग वाली हुई, तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं मेरठ का पुलिस प्रशासन काम करने में लापरवाही कर रहा है, चूक कर रहा है और उसको अपनी चूक अपनी लापरवाही क्या खमियाजा भुगतना पड़ेगा। नौचंदी के इंस्पेक्टर को निलंबित ना करके उसको सीधा काला पानी भेजने का काम करेंगे, दोबारा जल्दी से जल्दी वो कहीं उसको जगह ना मिल सके ऐसा काम। और मैं स्पेशली इकबाल खान साहब का, अगर तुम्हारे भी बस की काम नहीं है तो आप भी मेरठ से ना जोड़े बिस्तर पाओगे, और चाहे SSP हो चाहे IG हो चाहे IDG हो, जिसको मेरठ नहीं समझता वो अपना बोलिए बिस्तर पाओगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए firstbite.tv। नमस्कार। वर्तमान अकेडमी एंड इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लासेस फ्रॉम नर्सरी टू 12th, स्मार्ट क्लासरूम्स, वाईफाई कंप्यूटर लैब, एडवांस्ड मैथ्स एंड साइंस लैब्स, वेल स्टॉक्ड लाइब्रेरी, बेस्ट एनवायरनमेंट फॉर गेम्स, योगा एंड म्यूजिक। वर्तमान अकेडमी, रेलवे रोड, मेरठ।